All right, what's up everyone? This is Fahad Ilyas and welcome to the new vlog. तो यार मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता था कि 19 नवंबर को मर्दों का आलमी दिन मनाया जाता है, 19 नवंबर को, ठीक है? और मर्दों, तुम लोगों को पता ही नहीं है, तुम लोगों का दिन गुजर भी गया और तुम लोग मतलब इतने मसरूफ हो अपनी जिंदगी में, अपने लंचों में. तो यार बात करने का मकसद ये है कि अपना जो है ना, अपनी सेहत का ख्याल रखा करो, अपना ख्याल रखा करो, कोई तुम्हें आके नहीं कहेगा, ठीक है? ये मैं खुद को भी कहना चाह रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को मैं कह रहा हूँ कि अपनी फिक्र करें और अपना दिन मनाएं. अभी जरा ये मैंने मुंह धोया था तो जरा ये खुश्की सी हो गई है. अभी जरा मैं लोशन लगा लूँ जरा मुंह को, मैं अपना ख्याल कर लूँ जरा. तो यार पेशे खिदमत है, पूरे 130 रुपए की ओलिविया लोशन. सबसे पहले अपने आप को एक मॉइस्चराइजर खरीद के दो, अपना ख्याल किया करो. अभी लोशन लगा लूँ मैं, तो फ्री टाइम में मैं लोशन लगा रहा हूँ, तो मैंने कहा आप लोगों को बता दूँ. अभी व्लॉग शुरू करते हैं. व्लॉग शुरू हो नहीं चुका, चले व्लॉग शुरू करते हैं. Welcome back to brand new vlog. तो vlog यार, vlog पता नहीं क्या हो जाता है vlog का नाम सुनते. आज की वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे यार vlog कैसे बनाया जाता है, how to make a vlog. तो आप लोग रेडी हैं? बहुत सारे boys हैं जो मुझसे question कर रहे थे कि यार फहद भाई हमें थोड़ा सा basic editing के बारे में बता दें और ये vlog ये सारी scheme जो आप बनाते रहते हो ये फजूल काम हमें भी सिखा दो, हम भी ये फजूल काम करना चाहते हैं. तो मैं आज उन boys के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ कि यार हाउ टू मेक अ व्लॉग, व्लॉग कैसे बनता है और क्या कुछ होता है. मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा जो मुझे इतना टाइम हो गया बर्बाद करते हुए. Let's share with you guys कि क्या कुछ करते हैं. ख्वातीनों हजरात, अगरचे इंट्रो पर काम जारी है लेकिन ये वीडियो बनाना भी बहुत जरूरी है. तो ख्वातीनों हजरात, मिलवाते हैं आपको एक ऐसे यूट्यूबर से जिनको कोई नहीं जानता. हेलो जी, मेरा नाम फहद इलियास है और आई होप आप मुझे नहीं जानते होंगे. तो आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज व्लॉगिंग. यार पहले मैंने सोचा ये बात बताना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर मुझे लगा ये बात बताना भी बहुत जरूरी है. शायद कुछ लोग जानते हों और कुछ लोग नहीं. क्योंकि अभी 50 प्लस वीडियोस तो हो चुकी हैं, तो अगर अभी बता देंगे तो आप लोग फ्यूचर में मेरी वीडियो से ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर सकोगे. तो यार कुछ 3 साल का मैं मुझे शौक चढ़ा वीडियोस बनाने का. मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे कहा यार इफ तुम वीडियोस बना रहे यूट्यूब पे, इनको कौन देखे, तुम कोई सेलिब्रिटी तो कौन है. मैंने कहा हाँ ये बात तो ठीक है, मैं कोई सेलिब्रिटी तो हूँ, मुझे कौन देखे. यार फिर मुझे वो कहने लगे यार तुम कोई ट्रेंडी वीडियोस बनाओ, कोई ट्रेंड टॉपिक पे वीडियो बनाओ, यार कोई वायरल होने वाली वीडियो बनाओ. यार ये कैसी वीडियोस तुम बना रहे हो, इन वीडियोस को कौन देखेगा, आखिर इन वीडियोस का मकसद क्या है. तो अच्छा ऐसे करना होता है. तो यार तब मैंने उनको इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, तो आज जवाब देते हैं. सो गाइज, उस टाइम मैंने ये वीडियो बनाई थी कि व्लॉग का मतलब क्या होता है, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि यार व्लॉग ये जो चीज़ हम फिल्म करते हैं इसका मतलब क्या होता है. हालांकि ये वीडियो मैंने 6 महीने पहले फिल्म की थी, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस, उनमें से सबसे बड़ी वजह ये थी कि मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं कि आज तक यार ये व्लॉग वाला क्या चक्कर है. तो अभी जाके कुछ 3-4 लोगों ने मुझसे पूछा कि यार फहद ये व्लॉग क्या होता है, ये जो वीडियो एडिटिंग होती है ये क्या होती है. तो मुझे लगा कि यार आई एम डूइंग समथिंग, तो जो मुझसे लोग ये बात पूछ रहे थे इसका मतलब ये कि मैं कुछ कर. तो आज हम बात कर लेते हैं कि व्लॉग आखिर होता क्या है. तो लेट्स सी हाउ इट गोस. तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, व्लॉग जो है वो डिजाइन किया जाता है अपने आइडियाज, अपने थॉट्स और अपने एक्सपीरियंस को ऑडियंस तक प्रेजेंट करने के लिए. प्रेजेंट बोले तो पेश करने के लिए. नहीं समझ आई? देखो यार, आपके जहन में कोई आइडिया है, कोई बात आई, कोई चीज आई, एक इनोवेटिव चीज आपको नई लगी है, आपने उसको रिकॉर्ड किया, उसको फिल्म किया, आपके जहन में एक आइडिया था, आपने उसको प्रेजेंट किया एक वीडियो की शक्ल में, उसको अरेंज किया और उसको इंटरनेट पर अपलोड किया, ये आपका एक व्लॉग. दूसरी चीज़ है आपका एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस मतलब आपके साथ कोई वाक्या पेश हुआ, आप उसको प्रेजेंट करना चाहते हो. लाइक आप कहीं गए, इसमें ट्रैवल व्लॉग्स आ सकते हैं. जैसे आप कहीं किसी जगह पे आपने ट्रैवल किया, आपने उसको एक्सपीरियंस किया, आपने क्या चीज़ फील की, वो आपने एक व्लॉग बना लिया.
अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपको एक्सपीरियंस का मतलब पता होगा, आप बेहतर रिलेट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो चीज़ है वो है आपकी थॉट्स। थॉट्स किसी भी चीज़ को लेके हो सकती हैं, आपके जहन में कोई भी सोच डेवलप हुई, आप उसको प्रेजेंट करना चाहते हो, आप उसको रिकॉर्ड करोगे, अपनी थॉट्स बयान करोगे, उनको पेश करोगे और उसकी वीडियो बना के अपलोड कर दोगे, इसको कहते हैं व्लॉग। यही होता है व्लॉग। मेरा जो कंसर्न है, जो चीज़ मैं करता आ रहा हूँ अब तक, वो था मैं सिर्फ उन चीज़ों को व्लॉग करता हूँ या फिल्म करता हूँ या अपने वही थॉट्स, एक्सपीरियंस, आइडियाज़ प्रेजेंट करता हूँ जो मुझे शेयर करते हुए ज़रा परेशानी नहीं होती। लाइक मुझे लगता है कि आई एम कम्फर्टेबल और मैं कैमरे के सामने ये चीज़ प्रेजेंट कर सकता हूँ। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ प्रेजेंट करो, बहुत सारे लोग हर चीज़ दिखाते भी हैं लेकिन आई डोंट शेयर एवरीथिंग, यू नो, प्राइवेसी मैटर्स। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, स्पेशली वो लोग जिनको व्लॉग का अभी कुछ कख नहीं पता, उन लोगों के लिए ये वीडियो है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि व्लॉग होता क्या है। आप लोग प्लीज़ किसी बंदे को ये मत कहें कि यार तुम वायरल होने वाली वीडियो बनाओ, ट्रेंड पे ये जा रहा है, फलां पॉलिटिशियन को गालियाँ दो, फलां टिकटॉकर को रोस्ट करो, फलां बंदे को ये बोलो, फलां बंदे को वो बोलो। जिस बंदे ने व्लॉग बनाना है उसको अपना एक एक्सपीरियंस, अपनी थॉट्स, अपने आइडियाज़ प्रेजेंट करने, अगर आपको वो अच्छा नहीं लगता तो आप उसको सजेशन मत दो, मत दो, मत दो। मैं व्लॉगिंग इसलिए करता हूँ कि यार आई वॉन्ट टू मेक माई सेल्फ प्रोडक्टिव, अपनी क्रिएटिविटी को निखारने के लिए। लाइक मैं आज 3 साल पहले मुझे वीडियो एडिटिंग का कुछ कख पता नहीं था, मुझे नहीं पता था कि वीडियो एडिटिंग के लिए कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझसे काफ़ी सारे लोग पूछते हैं और इवन कि मुझसे बहुत सारे लोग शूट भी करवाते हैं और मैं कर चुका हूँ और मैं प्राउड से ये कह सकता हूँ कि आई हैव अचीव समथिंग इन माई लाइफ कि व्लॉगिंग से, वीडियोग्राफी से और तस्वीरें बनाने से। बज़ाहिर ये बात कुछ लोगों को अजीब लगेगी लेकिन जो है सो है। व्लॉगिंग मेक्स यू प्रोडक्टिव। आप एक लिहाज से आप कहीं भी जाते हो, कोई भी चीज़ करते हो, आप एक्सपीरियंस करते हो, आप उसको फील करते हो, आप उसको फिल्म करते हो, इस लिहाज से आपकी प्रोडक्टिविटी बाहर निकल के आती है। मुझे याद है कुछ टाइम पहले मुझे कैमरे के सामने बोलना भी नहीं आता था, मुझे सिर्फ एक सेगमेंट शूट करना था 30 सेकंड का। मुझे याद है थूप पत्नी सुपर लीग, अगर आप लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, मैंने एक व्लॉग अपलोड किया था थूप पत्नी सुपर लीग का बहुत पहले, मुझे मेरे गांव का मेरा पहला व्लॉग था आई थिंक सो। वहाँ पे सिर्फ 30 सेकंड का इंट्रो बनाने के लिए, कि ये चीज़ बोलने के लिए कि मैं वहाँ जा रहा हूँ और वहाँ से वहाँ पे ये कुछ हो रहा है, ये चीज़ मैंने बतानी थी। और मुझे और मेरे दोस्त को मुनीब को तकरीबन 2-3 घंटे लगे, अच्छा मैं कैसा लग रहा हूँ, अच्छा मैं कंफर्टेबल हूँ, अच्छा मेरी आवाज़ बहुत बुरी है। कुछ लोगों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि मेरी आवाज़ बहुत बुरी है, तो ये चीज़ें सारी आपको फेस करनी पड़ती हैं। देन यू कम टू दिस पॉइंट कि आप जो है फ्लुएंट बात कर सकते हो, कैमरा इज़ योर फ्रेंड। फिर आप लोगों से बात करने में कतराते हो लेकिन कैमरे के साथ बात करते हो आपको कोई इतना दिक्कत नहीं होती। मुझे अभी भी थोड़ी सी शाइनेस होती है जब मैं पब्लिक में व्लॉग कर रहा होता हूँ, लेकिन जब मेरे साथ मेरे दोस्त होते हैं तो आई फील वेरी कम्फर्टेबल। मुझे जो व्लॉग फिल्म करना अच्छा लगता है वो फूड व्लॉग्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। क्रिकेट व्लॉग्स यू नो मेरे फेवरेट हैं, क्रिकेट मैं खुद भी खेलता हूँ तो इसलिए क्रिकेट में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो क्रिकेट व्लॉग्स मेरे चैनल पे अक्सर आपको देखने को मिलते हैं। दूसरा ये कि मुझे शॉपिंग का बहुत ज़्यादा होता है तो मैं ये करता हूँ कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जहाँ से मुझे लगे कि कोई रीज़नेबल चीज़ मिल रही है, कुछ अफोर्डेबल चीज़ मिल रही है। आजकल जो है आउटफिटर्स पे बहुत ज़्यादा वो रोस्ट हो रहा है, ठीक है, मीम्स बहुत ज़्यादा बन रही है, उसकी वजह ये है कि आउटफिटर्स जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है और लोग अफोर्ड जो है ना नहीं कर पा रहे, शायद यही वजह है तभी मीम्स बन रही हैं, उनकी हुडी इतने की है, फलां 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 एंड ऑल दैट थिंग्स। मुझे भी आउटफिटर्स बहुत पसंद है, अब मेरे पास भी इतना बजट नहीं होता कि भाई आउटफिटर से 5,000 की जैकेट ले लूँ या 10,000 के शूज़ ले लूँ, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है उनका। जो चीज़ मैं करता हूँ वो ये करता हूँ कि मैं उनके फैक्ट्री आउटलेट पर जाता हूँ, जहाँ पर उनका हर तब भी जाओगे आप हर टाइम 50% ऑफ लगा ही होता है। दूसरा ये कि मैं ऑफ सीज़न में जाता हूँ, लाइक सर्दियों के सीज़न में गर्मियों के कपड़े खरीदता हूँ और गर्मियों के सीज़न में सर्दियों के कपड़े खरीदता हूँ। लिटरली आई कैन टेल यू गाइस कि मैंने एक हुडी खरीदी थी 899 रुपये की, 899 रुपीज़ की, जो कि सेम हुडी मेरे दोस्त ने जब ली तो वो सेम हुडी 3,499 रुपीज़ की थी और वो उसने ख़रीदी। मुझे याद है मुझे शूज़ बहुत, अभी मेरे सामने बड़े हुए हैं, मुझे वो शूज़ बहुत पसंद थे और मेरे कज़न की शादी थी, 5,000 रुपये के मैंने वो जूते लिए और उसके बाद ये हुआ कि ऑफ़ लगा, तकरीबन 15 दिन बाद ऑफ़ लगा और वो शूज़ तकरीबन मेरे दोस्त के लिए मैंने खुद लिया अपनी जेब से पैसे दे के 2,200 रुपये। तो मतलब के यार समझ लो कि मेरी जली मतलब ऐसे इतनी बुरी हालत थी। अभी 5,000 का जूता बोला, अम्मी अब्बू भी वीडियो देख रहे हैं, ये बहुत पुरानी बात है, 3 साल पहले की बात है, तब की बात, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अभी मैं व्लॉग का मतलब समझा रहा हूँ लोगों को,
तो ये सारे एक्सपीरियंसेस के बाद, तो ये सारी चीज़ें मैं शॉपिंग वाले व्लॉग्स भी शेयर करें, तो कहानी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। ये बात व्लॉग की हो रही है, तो व्लॉग की हो रही है तो लंबी तो होगी। एक और चीज़ जो मैंने व्लॉगिंग से सीखी वो ये कि स्टोरी टेलिंग का आर्ट, अगरचे मैं इसमें काफ़ी कमज़ोर हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना व्लॉग में वो आपकी स्टोरी होती है। यू हैव टू मेक अ कॉन्सेप्ट। अब जो है ये चीज़ मुझे तकरीबन 70-80 वीडियोस बनाने के बाद समझ में आई। आप कोई भी काम कर रहे हो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ आप उसको लिख लो। लाइक आई हैव टू ट्रैवल टू समवेयर, मुझे कहीं जाना है तो मैं उसके लिए, मुझे पैकिंग करनी है मुझे पैकिंग वाला शॉट लेना है, मुझे रास्ते में जाना है मुझे रास्ते का शॉट लेना है, रास्ते में मुझे कहीं पर स्टे करना है मुझे वो चीज़ कवर करना है, एक फ्लो में मैंने जाना है और मुझे सारी चीज़ें पता हैं ऑलरेडी कि मैंने क्या शॉट करना है। इस तरह ये होता है कि आप ना तो एक्स्ट्रा शॉट्स लेते हो ना कुछ, बस सिलेक्टिव से जाते हो आप, ऐसे गो विद द फ्लो वाला सीन ही होना चाहिए। लिटरली इससे आपकी ब्लॉगिंग जो है वो इम्प्रूव होती है। तो सम टाइम आई डू प्रैक्टिस दिस, लेकिन आजकल ये होता है कि मैं बस कैजुअली बस जा रहा हूँ, जस्ट गोइंग विद द फ्लो। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी चाहिए अगर आप प्रॉपर ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, तो यू मस्ट हैव अ स्टोरी इन योर, काफ़ी भाषण हो गया। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जिन लोगों ने भी मुझसे ये बात पूछी है, तो यार उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, सिंपली आपको समझ आ गई कंसेप्ट के ब्लॉग क्या होता है, तो एनी बॉडी कैन बी अ ब्लॉगर। इसमें कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं कि हाँ यार ये बंदा ब्लॉगर है, तो यार देखो एनी वन कैन बी ब्लॉगर, बस ये आपके अंदर की स्किल है, आपकी प्रोडक्टिविटी है, आप उसको कितना यूटिलाइज करते हो। तो यू कैन बी अ ब्लॉगर। कुछ बेसिक चीज़ें, तो यार ये आपका फ़ोन है, ठीक है आपने इसको पकड़ा, अब फ़ोन मेरा ट्राईपॉड पे है, लेकिन जस्ट होल्ड इट लाइक दिस, ये आपने पकड़ा और शुरू कर दिया अपना मुद्दा बयान करना। हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज फहद इलियास एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। ये मेरा डायलॉग बन चुका है अब काफी, मतलब इसके अलावा कुछ आ ही नहीं रहा इस माइंड में, मतलब यू नो माइंड स्टक हुआ है। तो ये आपने पकड़ा, हाँ अभी हम लोग व्लॉग बनाने की क्लास ले रहे हैं, यहाँ पे व्लॉग कैसे बनता है, और ये बैक कैमरा यूज करेंगे तो रिजल्ट ज्यादा अच्छा है। कोशिश करें कि अपने फोन को स्टेबल रखें, फोन ज्यादा हिले जुले मत, क्योंकि अगर ये हिलेगा ना तो शेकी फूटेज आएगी। शेकी फुटेज का मतलब है ऐसे ऐसे लोग कहेंगे हैं एक ही यार तुमने क्या मोबाइल को ऐसे ऐसे कर रहे हो तुम, मतलब के वो कमजोरी वाले अलामत शो हों। कुछ फ़ोन है जिनमें स्टेबिलिटी का ऑप्शन आता है, ठीक है वीडियो स्टेबलाइजर होते हैं उनमें, वीडियो स्टेबल रहती है। कोशिश करें कि फ़ोन का जो अपना कैमरा है वो यूज़ करें, उसका इस्तेमाल करें, उसको सीखें। और बहुत सारे एडिटर हैं यूट्यूब पे, लिखें अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों को बताऊं मैं कौन सा एडिटर यूज़ करता हूं, तो वो भी मैं आप लोगों को एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी बहुत लंबा भाषण हो गया, तो आई होप कि बहुत सारे लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित होगी, अगर आप लोगों को समझ आई है तो। अगर नहीं आई तो कोई बात नहीं, हम फिर से वीडियो बना देंगे, कोई मसला नहीं। तो काफ़ी आज के लिए यार, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ ब्लॉग, थैंक यू सो मच। हो गया ना, क्या देख रहे हो।